की गुफ्तगू करो तो कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है मेरी, जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है और हैजर्डियस गैसेस अवेलेबल हैं। ये कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जैसे कि हमारे टैंक्स, पिट्स हैं हमारे पास, ट्रेंचेस हैं, या फिर ऐसी एक्सकेवेशन जो 1.2 मीटर से ज़्यादा डीप हो, उसको मैं कन्फाइंड स्पेस में इंक्लूड करता हूँ। बात करते हैं कि व्हाट आर द हैजर्ड्स इंक्लूडेड इन कन्फाइंड स्पेस। तो सबसे पहला मेजर हैजर्ड है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का, कि वहाँ पे ऑक्सीजन या तो कम होती है, 19.5 से लेकर 23.5 हमारी लिमिट है, तो अगर इसे कम है तो मेरे लिए ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो वल्नरेबल हो जाती है फायर के लिए। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स या फिर प्रेशराइज्ड फ्लूइड है, मेरी विजिबिलिटी वहाँ पे कम होती है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे लाइटिंग रिक्वायर्ड होती है। लाइटिंग हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे उसकी प्रिकॉशंस में। हाई टेम्परेचर फ्लूइड्स हैं, लिमिटेड एंट्री है, स्लिप ट्रिप फॉल, और इन केस मैं वहाँ अगर हाइटेड है तो आई कैन फॉल इन दैट, तो फॉल हैजर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूँ कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर द कन्फाइंड स्पेस, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पास परमिट टू वर्क हो, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे उधर वर्किंग प्रोसीजर्स क्या होगा। टास्क जब भी मैं शुरू करूं तो उससे पहले टूलबॉक्स टॉक्स या फिर प्री टास्क मीटिंग्स हम कर रहे होंगे। जितने भी अटेंडेंट कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं वो ट्रेंड हों, उनकी प्रॉपर कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले ट्रेनिंग हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का। बाहर एक स्टैंड बाय मैन जिसको हम होल वॉचर कहते हैं, वो स्टैंड बाय पे हो और उसको प्रोटोकॉल्स पता हों कि इन केस ऑफ एमरजेंसी वो क्या किस तरह डील कर रहा होगा, या फिर हमारी जब कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं तो वो उस केस में किस तरह वो कम्युनिकेट आगे कर रहा होगा। जितने लोग कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं उन्होंने रिक्वायर्ड पीपीज पहने होंगे। स्पेसिफिकली हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस है, लाइटिंग वहाँ पर 24 वॉल्ट से कम की होगी या 24 वॉल्ट, और लाइटिंग के साथ GFCs अटैच होंगे। सिर्फ वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे होंगे जो कि एक्सप्लोजन प्रूफ हों और अर्थ इंजन की हुई होगी। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम चेक करते हैं कि हमें एमरजेंसी टीम रिक्वायर्ड है या फिर नहीं, एरिया वहाँ पे बैरिकेटेड हो और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वहाँ पे लगे हों कि हमारे जितने लोग आसपास काम कर रहे हैं उनको पता हो कि अंदर कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी चल रही है। हम कन्फाइंड स्पेस में जब एंटर होते हैं तो उसकी एंट्री के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। कन्फाइंड स्पेस में जब भी एंटर होंगे सबसे पहले उस शख्स जिन लोगों ने जो अटेंडेंट होंगे जिन्होंने कन्फाइंड स्पेस में काम करना है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, उनके मेडिकल इन्विजिलेशन सारा होगी कि प्रॉपर उसको देखा जाए कि वो बंदा फिजिकली फिट है जाने के लिए। वहाँ पर गैस टेस्ट होगा जिसमें हम तीन गैसेस देख रहे होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2S गैस, इनके लोअर एक्सपोजर लिमिट्स, ये विदिन लिमिट हैं हमारे पास। जो शख्स होल वॉचर है वो जो भी जितने भी लोग जाएंगे उसकी एंट्री पे उनकी अटेंडेंस लेगा और एग्जिट टाइम पे उनकी अटेंडेंस लेगा, और ये जॉब जॉन सी रोटेशन में की जाती है। यानी कि मैं एक शख्स लिट से अगर अंदर जा रहा हूँ तो 15-20 मिनट के बाद मैं वापस आऊँगा ताकि मेरे ऑक्सीजन लेवल बहाल हो सके। जितनी फ्लेमेबल गैसेस वगैरह उनको अगर वहाँ पे प्रेशराइज गैसेस वगैरह एग्जस्ट करती हैं तो मैं वहाँ पे लोटो का प्रोसीजर वहाँ पे करूँगा, और एरिया जो है वो प्री इन्फॉर्म्ड ये एक्टिविटी होगी। थैंक यू वेरी मच।